हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कल्पना, नमस्ते सिर राशों। आज फिर से आपको नई ब्लॉग के साथ दिखाने जा रही हूँ नई वैरायटीज़ की मशरूम। तो आइए मैं दिखाती हूँ। अभी तो मैं सब्जी की बगान में हूँ दोस्तों, और वेदर जो है ना बिल्कुल काला हो चुका है, बारिश आने वाली है। आज करीबन 1 वीक हो चुकी है दोस्तों, बहुत ही बारिश है और बहुत दिल को तसल्ली भी हुई, क्योंकि गर्मी 2 महीना पूरा गर्मी था दोस्तों, और आज पूरी बारिश हो रही है तो गीला गीला है। फिर भी मैं आपको मशरूम के रूम तक लेके जा रही हूँ और दिखाती हूँ नई वैरायटीज़ की मशरूम। तो आइए, ये देखिए दोस्तों, ये नई वैरायटीज़ है मशरूम्स की। ऑयस्टर है, मगर ये ऑयस्टर की सर्जर का जो है, और मैंने इसे लाया था दोस्तों वाइट सर्जर काजू करके, लेकिन ये जब यहाँ पे मैंने लगाया तो ये ब्लैक कलर में आया हुआ है। तो इसे ये देखिए कितना सुंदर है, ये देखिए दोस्तों, है ना, बहुत बढ़िया है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना दोस्तों कि सर्जर काजू को जो है ना कलर जो ब्लैक होता है, इसी वजह से लोग डरते हैं खाने में, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। ये देखिए, इसे ये सर्जर का जो है ये एक्चुअली ब्लैक कलर का है, और सर्जर का जो हमेशा ब्लैक कलर ही होता है दोस्तों, और हाइब्रिड में एक वाइट कलर का भी होता है, वो मेरे पास स्पॉन नहीं अवेलेबल था, ये शमर में होता है। तो मैं इसे दिखाने का कारण ये, और ब्लाउज बनाकर दिख भी जाए आप लोगों को दिखाने का कारण ये है दोस्तों कि आप लोग भी जानो मशरूम के बारे में और उसे अपने मिल में, है ना, इसको यूज़ करो एटलीस्ट 1 टाइम। पूरी होल डे में एक बार एटलीस्ट आप इसे यूज़ किया करो। इससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर बहुत सारी सप्लीमेंट्स जो है आप तक पहुंच जाती है आपके शरीर के अंदर। तो ये है ना दोस्तों, ये सर्जर काजू है, आप लोग डरना मत, इसका कलर जो ब्लैक है इसके डरना मत, इसे भी खाया जाता है। मैंने कल ही एक बैग में से खाया था, और ये आज फिर से निकल रहा है नया नया, ज़्यादा तो बना ही नहीं मैंने भी, जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया था प्रैक्टिकली। तो ये देखो कितना सुंदर है ना, लेकिन इसे मार्केट ले जाते हैं लोग डर जाते हैं दोस्तों, पता नहीं ये कौन सी मशरूम है, ये बाहर वाला है क्या, नेचुरल है क्या, ऐसे सोचते हैं। एक्चुअली ये नेचुरल नहीं है दोस्तों, इसे बनाया हुआ है स्पॉन डाल करके स्ट्रो के अंदर, जिस तरह हम लोग ऑयस्टर में ऑस्टिटस को बनाते हैं उसी तरह से। तो इसी के साथ ये बोलूँगी कि आप लोग भी इसे एक्सेप्ट करो, है ना। देखो कितना ब्लैक है, देखो इसको, इसके कलर्स को देखो कितनी ब्लैक है ना। तो इसे देख कर डरना मत दोस्तों, है ना। ये देखिए दोस्तों, इसमें इस साइड देखो, ये जो ये है ना, देखो माइसिलियम जो किस किस तरह से इसके स्पोर्स बने हुए हैं, देखो है ना छोटी छोटी, और ये कल या परसों ये तोड़ने लायक हो जाएगा दोस्तों, ये देखो। और मैं आपको अलग अलग तरीके की जो मशरूम को आप लोगों के सामने जो पेश कर रही हूँ, ये इसीलिए कर रही हूँ कि ताकि आप लोग भी जानो दोस्तों कि मशरूम की कितनी वेराइटीज़ होती हैं, कि कौन से कलर में होते हैं, है ना। हम लोग सिर्फ ऑस्टिटस को बनाते हैं इसलिए वो व्हाइट कलर का होता है, तो सब लोग व्हाइट को पसंद करते हैं, लेकिन ब्लैक में भी मशरूम होती है दोस्तों। ये सर्जर का जो है, फिर इसके इसी तरह पिंक कलर में भी होता है दोस्तों, जिसे कॉर्नो को भी कहते हैं, है ना। और तो बताते जाऊँगी जितना भी कर रही हूँ, यस मैंने प्रैक्टिकल ही किया है दोस्तों। देखो यहाँ पे भी किस तरह से निकला हुआ, देखो है ना, ये देखो, और यहाँ पे भी देखो, और दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जब मेरा ब्लॉग्स अगर देखा होगा मशरूम्स की, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, और जितने भी नए चैनल में आए हैं मेरे, वो सभी जो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, जिससे कि मुझे भी उत्साह मिले और हिम्मत मिले, जो मैं और आगे ब्लॉग्स बनाऊं, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊं और आप लोगों तक पहुंचाऊं दोस्तों। और एक चीज़ दिखा रही हूं दोस्तों, देखिए कल रात की बारिश से इतना सारा बाढ़ हो चुका है। आप लोगों का उधर होता है कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ देखो इस तरह से सारे के सारे, और पानी ही पानी दिख रहा है दोस्तों। ये देखो, ये जो मेरा मेन गेट है ना, ये जो वो गेट जो टोटली पूरा पानी से ब्लॉक है, तो हम लोग क्या करते हैं दुकान के अंदर से आना जाना कर रहे हैं। ये देखो इधर भी इस तरह से पूरी बारिश की पानी लगी हुई है, ये देखो दोस्तों, है ना। आप लोगों को तो होता है कि नहीं पता नहीं,
अब देखो बारिश आने वाली है, और ये देखो वेदर भी देखो किस तरह से काला हो रखा है ना, ये देखो है ना दोस्तों। और इसी के साथ ही दोस्तों आज की ब्लॉग में यहीं पे समाप्त करती हूँ। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।